कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कितनी सीटें आ रही हैं, कब बनेगी सरकार, कौन शपथ लेगा, छोड़िए सर सब इन बातों को, सब बातों को छोड़िए। मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट है सर, एक छोटी सी जानकारी चाहिए थी आपसे। ये टैंकी फुल करवा लूं आज गाड़ी की कि नहीं? मुझे जो है आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपका जो मुद्दा होता है वास्तव में बड़ा गहन होता है। नहीं, मैं तो सिर्फ और दमदार भी होता है। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा था। देखिए, अब मेरे साथी हैं, सारे न्यूज रूम में बैठे हुए हैं, बता दूंगा उनको, कुछ भला हो जाएगा उनका, जनहित में जारी आज टैंकी फुल करवा दीजिए। जारी कर दीजिए। आज टैंकी फुल करवा लूं कि नहीं? देखिए तिलक जी, ये तो बाद की बात है और वो बड़ा मुद्दा है, पूरे विश्व की समस्या है। विश्व की समस्या, वही कोविड वाली बात आती है। विश्व की समस्या नहीं आ रहा, ये नहीं नहीं, ये विश्व की बड़ी गंभीर समस्या है। चुनाव होते हैं तो 2 महीने तक रेट नहीं बढ़ते और बाजार पर काबू कर लेती है सरकार, और ठीक चुनाव खत्म होते हैं तो आपके हाथ में सब कुछ निकल जाता है और फिर आप कहते हैं ये विश्व की समस्या है। ये समस्या मैं भी नहीं समझ पाया। इस समस्या को समझते समझते मैं खुद समस्या में फंस गया। तो आज टैंकी फुल करवाऊं कि नहीं करवाऊं, इतना बता दो बस। देखिए, रेट जो बढ़ने की बात है, बिल्कुल आपका शानदार क्वेश्चन है और होना भी चाहिए, लेकिन किसी चीज की हद होती है। मैं हमेशा कहता हूँ डिबेट में, आप जो है 2 महीने की बात आपने की, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उस समय हालात थे, चुनाव से बहुत पहले चीज आई, सरकार ने इस पर बहुत प्रयास किया और हमें एक उम्मीद जगी चुनाव तो हम समय नहीं, रहते नहीं, उसमें तो मैं आपको माहिर मानता हूं। सर, मैं माहिर मानता हूं। वो राष्ट्रवादी जो पेट्रोल की टैंकी जो है अभी सूख गई है उनकी, वो कह रहे हैं जब 150 रुपए होगा हमें राष्ट्रहित के लिए पेट्रोल डलवाना है, तो वो इंतजार कर रहे हैं आपके समर्थक लाइन में खड़े होकर कि जैसे ही आप ऐलान करेंगे वो तब पेट्रोल डलवाएंगे। मैं तभी आपसे पूछ रहा हूं कि ये 2 महीने तक आपने पेट्रोल के दाम स्थिर रखे ना सर, आप ही ने रखे ना कि किसी और ने रखे थे? तो फिर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये अब जो है 7 तारीख के बाद से राष्ट्रवाद जब जागेगा तो पेट्रोल की टैंकी फुल करवाने के लिए 200 रुपए 150 रुपए पेट्रोल डलवाएं कि ना डलवाएं राष्ट्रहित? मैं शानदार क्वेश्चन के लिए आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को दोबारा इस प्रदेश में आने के लिए डीजल या पेट्रोल नहीं देखा। उन्होंने देश की विकास की कड़ी के साथ साथ जो खराब स्थिति थी उत्तर प्रदेश बढ़ाई क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में कानून को लेकर चुनाव में पेट्रोल डीजल के दाम फिर क्यों नहीं बढ़ाए? अगर ये मायने नहीं था, ये अहम ही नहीं था, तो क्यों रोके आप? देखिए, अगर ये यूक्रेन समस्या नहीं होती, रशिया की समस्या नहीं आती, तो 35 रुपए हो जाता, तो कोई पर बंधन करने की जरूरत नहीं होती आज। तो आज ये इतनी उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं कि 7 तारीख के बाद, 9 तारीख के बाद, 10 तारीख के बाद पेट्रोल के दाम बढ़ा देंगे, ये कर देंगे। आप बोल दो कोई दाम नहीं बढ़ेगा, बोल दो एक बार। देखिए, ये चीज तो तिलक जी, जो चीज मेरे हाथ में नहीं है उसे मैं कैसे बोल सकता हूँ? नहीं तो आप झूठ बोलकर कौन सा बड़ा बन जाऊं? नहीं, भारत पेट्रोल और डीजल की बात नहीं है। पेट्रोल डीजल से सरकार नहीं बन रही है। यानी कुल मिला के प्रमुख साहब जी ने मुझे मेरे उत्तर दे दिया कि भैया आज टैंकी फुल करवा लो, आज पक्का करवा लूंगा। अपने सहयोगियों को भी कह रहा हूं जनहित में जारी, आप तो अपनी टैंकी फुल करवा लीजिए। 5 बजे से पहले तिलक भाई करवा लीजिएगा। 5 बजे? अच्छा, 5 बजे? हाँ, 5 बजे से पहले। 5 बजे से पहले टैंकी फुल करवा लूं, 5 बजे के बाद फिर हाँ रेट बढ़ जाएंगे।